नमस्कार। आजकल लोग फिनाले और फाइनल को एक ही समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है फाइनल और फिनाले दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको दिखने में तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार फाइनल का अर्थ होता है श्रृंखला के अंत में। फाइनल का अर्थ होता है किसी श्रृंखला के अंत में, जैसे कोई टेस्ट सीरीज चल रही है या कोई वनडे सीरीज चल रही है, उसका लास्ट मैच को क्या कहा जाता है, फाइनल कहा जाता है, क्योंकि वो श्रृंखला के अंत में है। जबकि फिनाले का अर्थ होता है समापन, फिनाले को कहा जाता है समापन। अब दोनों में अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर है, लेकिन आप दोनों को एक ही समझते हो। देखिए आप जैसे सेमेस्टर का एग्जाम या फिर किसी कोर्स में एक से अधिक परीक्षा हो तो उसे अंतिम परीक्षा को फाइनल परीक्षा कहा जाता है। जैसे सेमेस्टर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट सेमेस्टर को क्या कहा जाता है, यार मेरा फाइनल सेमेस्टर है। या एग्जाम चलते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम चलते हैं, उसमें लास्ट एग्जाम को क्या कहा जाता है, फाइनल एग्जाम कहा जाता है। उसको फिनाले थोड़ी कहा जाता है, ग्रैंड फिनाले थोड़ी कहा जाता है। किसी सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम को फाइनल एग्जाम कहा जाता है, लेकिन क्या ग्रैंड फिनाले एग्जाम कहा जाता है, फिनाले एग्जाम कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। क्यों, यही तो डिफरेंस है, अपन जानेंगे इसके बारे में। देखिए आप यदि कोर्स में एक ही एग्जाम हो तो उसे फाइनल एग्जाम नहीं कहा जाता है। अगर किसी कोर्स में अगर एक ही एग्जाम हो तो उसको फाइनल क्या एग्जाम कहा जाता है, नहीं, उसको एग्जाम ही कहा जाता है। लेकिन अब अंतर देखिए आप, किसी सीरियल या किसी रियलिटी शो का अगर समारोह पूर्वक समापन होता है तो उसे फिनाले या ग्रैंड फिनाले कहा जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं, जैसे नच बलिए हो गए, डांस इंडिया डांस हो गए, इनके लास्ट जो शो होता है, लास्ट जो एपिसोड होता है, उसको ग्रैंड फिनाले कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है, वो भी तो बहुत रेगुलर चलते हैं, उनके भी तो एपिसोड रोज आते हैं, उनका भी तो वो लास्ट एपिसोड होता है, लास्ट शो होता है, लेकिन उसको ग्रैंड फिनाले क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका समारोह पूर्वक समापन होता है। अगर उसका समारोह पूर्वक समापन नहीं होता तो उसको लास्ट फाइनल एपिसोड कहा जाता। यही अंतर है इन दोनों में। यदि समारोह न हो तो लास्ट एपिसोड या फाइनल एपिसोड कहा जाता है। अगर वो रियलिटी शो का अगर समारोह पूर्वक समापन नहीं हो रहा है तो उसको लास्ट एपिसोड कहा जाएगा या फाइनल एपिसोड कहा जाएगा। जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा, लास्ट मैच को ग्रैंड फिनाले कहा जाता है। अब आईपीएल अब डिपेंड देखना आप लोगों का, आईपीएल का लास्ट मैच होता है ना, उसको ग्रैंड फिनाले कहा जाता है, फाइनल नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि समारोह पूर्वक समापन होता है उसका। और कोई एक दिवसीय सीरीज चलती है, वनडे सीरीज चलती है, उसके लास्ट मैच को फाइनल मैच कहा जाता है। क्यों, उसको ग्रैंड फिनाले मैच क्यों नहीं कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसका समारोह पूर्वक समापन नहीं होता है। यही डिफरेंस है फिनाले और फाइनल में। यदि किसी श्रृंखला के लास्ट का समारोह पूर्वक समापन हो तो उसे फिनाले कहा जाता है, और अगर समारोह पूर्वक समापन न हो तो उसे फाइनल कहा जाता है। मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही है। कोई भी टेस्ट सीरीज हो या किसी फुटबॉल का मैच हो या कोई रियलिटी शो हो या कोई एपिसोड हो, उनके रेगुलर उनके सीरीज चलते हैं, बस यही फर्क है कि अगर लास्ट वाला कोई एपिसोड हो या कोई टेस्ट सीरीज हो, कोई श्रृंखला हो, उसका अगर समारोह पूर्वक समापन हो रहा है तो उसको फिनाले कहा जा रहा है, लेकिन अगर उसका समारोह पूर्वक समापन नहीं होता है तो उसे फाइनल कहा जाता है। लोग तो फिनाले और फाइनल को दोनों समझते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा फाइनल और फिनाले में कितना बड़ा मेजर अंतर है। ऐसे आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है।